जय हिंद साथियों स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर नैनो मैजिन की सीरीज में सुबह के साढ़े छः बजे प्रतिदिन आपको 20 महत्वपूर्ण टॉप 20 करंट की सीरीज मिल जाती है जो पूरे दिन भर की वो परीक्षा वाले प्रश्न होते हैं तो चलिए हम इस सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं आज की जो सीरीज है वो इक्कीस मार्च दो को है तो सबसे पहला प्रश्न होगा आपका कि इक्कीस मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है क्योंकि परीक्षा वाले प्रश्न हैं ये आपको जरूर बताना चाहिए मैं उम्मीद करता हूँ आप इसका प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे ये नैनो मैगजीन की सीरीज इसके साथ साथ परीक्षा मैगजीन रात के ग्यारह बजे चलती है तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की मतलब एक एक बार क्रमवार की तरफ ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं इक्कीस मार्च दो का प्रश्न सीरीज है बीस प्रश्न होंगे यहाँ पे और ये प्रश्न सभी परीक्षा वाले हैं तो चलिए बिना देरी किए कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए साथ ही साथ इसकी पीडीएफ आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा तो टेलीग्राम पर आप सभी को मिल जाएगी केवल आपको प्रश्न को पढ़ना है दिमाग में बैठ जाए पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च किस राज्य में स्थापित किया गया तो हरियाणा पंजाब कर्नाटक और दिल्ली इस प्रश्न को अगर परीक्षा में आएगा तो वहां पे आप सभी को ऐसे प्रश्न का उत्तर पंजाब लगाना है इसे पांच नदियों का शहर भी कहा जाता है और ये अन्य बहुत सारे महत्वपूर्ण है लेकिन मैं चाहूंगा पंजाब राज्य के प्रमुख नृत्य अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कर्म के साथ साथ हम विविध को ही पढ़ें विश्व गौराया दिवस कब मनाया जाएगा या कब मनाया जाता है या कब मनाया गया जल्दी से कमेंट करके बताइए बीस मार्च इक्कीस मार्च उन्नीस मार्च या अठारह मार्च जवाब जरूर दीजिएगा जी हां आपने एकदम सही बताया बीस मार्च इस प्रश्न का सही जवाब है लेकिन आपको जवाब देना है इक्कीस मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता आज था आज जो करंट अफेयर की सीरीज हम पढ़ रहे होते हैं उस समय कौन सा दिवस है आज जवाब जरूर दीजिएगा बाईस मार्च को क्या मनाया जाता है तेईस मार्च को ये ऐसे दिवस हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं अगला है परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन मनोज पांडे का स्मारक किस राज्य में स्थापित किया गया मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार और पंजाब कहां पे? तो परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन मनोज पांडे का स्मारक उत्तर प्रदेश में है कहा है उत्तर प्रदेश में ठीक अब उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य क्या है यहां की राजकीय भाषा क्या है यह भी जवाब आप दीजिएगा लेकिन साथ ही उत्तर प्रदेश स्पेशल भी आपका तैयार हो जाएगा हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर चार की तरफ जी हाँ अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करने के बाद वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने सभी साथियों को जिनको चाहते हैं कि आपके साथ वो भी सफल हों मार्च दो में डस्टलिक सेकेंड इंडो उज्बेकिस्तान अभ्यास का समापन किस राज्य में हुआ बताइए राजस्थान गुजरात उत्तराखंड लद्दाख इस प्रश्न का उत्तर परीक्षा में अगर आएगा तो आपको उत्तराखंड लगाना है अभी हाल ही में उत्तराखंड के कौन मुख्यमंत्री बना तो जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हाल ही में इग्रहवीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती ओडिशा हरियाणा पंजाब और उत्तर प्रदेश उम्मीद करता तो हूं इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे हाथ की भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय खेल है इसमें ग्यारह ग्यारह खिलाड़ी होते हैं और हरियाणा हरियाणा की ब्रांड एम्बेसिडर कौन है यह जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा सभी लोग और बेटी बचाओ बेटी, पढ़ा, बेटी, बेटी, बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पानीपत से शुरू किया गया था हरियाणा से और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ ये किस राज्य से शुरू की गई यह भी जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स दो के अनुसार कौन सा देश खुशहाल देश की सूची में पहले स्थान पर रहा और भारत का स्थान क्या रहा जवाब में जरूर दीजिएगा इसमें कितने देशों ने हिस्सा लिया था जी हां नीदरलैंड एकदम राइट आंसर है खुशहाल देशों में ठीक हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ यहां से कोई दिक्कत नहीं है ना भारत का स्थान कितना था कुल कितने थे यह वैसे मैं आगे भी बता दूंगा और परीक्षा मैगजीन की सीरीज में भी मैं इसे हल करूंगा लेकिन मैं यहां जरूर बताइएगा करंट आपकी तैयार हो जाएगी बढ़ते प्रश्न की तरफ हाल ही में एसईआरबी e. महिला उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया सोनू गांधी सोनिया गांधी प्रियंका गांधी इसमें तेरह देखिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर शायद अचरसा लगे सोनू गांधी सोनिया नहीं सोनू गांधी इस प्रश्न का उत्तर ए सही जवाब है बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आठ की तरफ इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया गया एकदम इंपॉर्टेंट है बताइए इक्कीस मार्च बीस मार्च उन्नीस मार्च अट्ठारह मार्च तो यह आपका बीस मार्च को मनाया गया इस प्रश्न का उत्तर बी सही और राइट आंसर है वर्ल्ड स्लीप डे किस दिन मनाया गया सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा और देखिए प्रश्न का जवाब दीजिएगा इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी जहां पे आप दुर्गेश सर सर्च करिएगा बिना स्पेस के या डिस्क्रिप्शन इसको लिंक को क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जहां इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध हो रही है वर्ल्ड स्लीप डे किस दिन मनाया गया मार्च महीने की तीसरे शुक्रवार को ये परीक्षा वाले प्रश्न है इसे समझना चाहिए आपको और याद भी करना है क्योंकि रेश के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं और आप एक रेस के घोड़े हैं क्योंकि तो आपको अपने मां बाप का भी सपना तो साकार करना है किस देश की संसद ने इच्छा मृत्यु को वैध किया जापान आयरलैंड स्पेन भारत बताइए जल्दी से क्या होगा देखिए इस प्रश्न का उत्तर अगर हम लोग देखें तो स्पेन स्पेन का राष्ट्रीय खेल, खेल क्या है राजकीय वहां का राष्ट्रीय खेल क्या है जरूर जवाब दीजिएगा क्योंकि वहाँ परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी मैंने कहा ना अभी प्रश्न आपको आगे मिलेगा तो मिल भी गया जी हाँ एक रही उसमें कितने देशों ने हिस्सा लिया यही विकल्प है सौ उनचास सौ उनतीस एक सौ चार सौ उनतालीस जवाब जरूर दीजिएगा कितने देशों ने इसमें हिस्सा लिया जी हाँ प्रश्न का उत्तर डी होगा भारत का रैंक एक सौ उनतालीस है कुल कितने देशों ने इसमें हिस्सा लिया वह जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इसी विकल्प में उसका उत्तर है हाल ही में विश्व बैंक किस देश ने 200 मिलियन डॉलर प्रदान किए गए भारत बांग्लादेश भूटान नेपाल तो अगर यहां पर देखा जाए कि किसे तो ये बांग्लादेश को विश्व बैंक ने बांग्लादेश को प्रदान किया बीस का राइड एसवर है रिपीटेड संबंधित अगर कोई जानकारी चाहिए दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पे बात कर सकते हैं जनपुर जनपद के लिए मेरे द्वारा निःशुल्क चलते अन्य क्लास के लिए आप यहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अगला है हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है बताइए भारत चीन पाकिस्तान या रूस इसमें चीन सबसे ऊपर है शीर्ष पर है ठीक है यह परीक्षा प्रश्न है हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फॉर्म का निर्माण कर रहा है श्रीलंका जापान सिंगापुर अमेरिका सभी लोग जवाब दीजिएगा इसे प्रैक्टिस होगी डेली प्रैक्टिस करेंगे सुबह साढ़े छः बजे ग्यारह बजे परीक्षा मैग्जीन है रात्रि के ग्यारह बजे सोने से पहले और उठने के तुरंत बाद ये क्लास आपको मिलेगी बताइए इसका क्या होगा सिंगापुर सिंगापुर की राजधानी क्या है कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए हां अरे मुझे भी पता चलना चाहिए आपको कितना आता है हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार पानी के अंदर टेलीस्कोप लगाया प्रश्न रिपीटेड है चीन भारत रूस सिंगापुर रूस इस प्रश्न का सही जवाब है रसिया अब थोड़ा सा विविध के प्रश्न पढ़ लेते हैं डल झील कहाँ पर स्थित है जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड तो जम्मू कश्मीर इस प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा इसका सही जवाब है बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है हरियाणा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बिहार उत्तर प्रदेश किस जगह पर है वो बताइएगा कमेंट बॉक्स में खाड़ी सहयोग परिषद का मुख्यालय कहा ईरान पाकिस्तान सऊदी अरब ईरान जी हां सऊदी अरब इस प्रश्न का सही जवाब है खाड़ी सहयोग परिषद का मुख्यालय कहां पर सऊदी अरबिया में ठीक है कुरनलूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क कहां पर स्थित है उन्नीस एकदम आसान है आंध्र प्रदेश एपी ठीक आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है और इसका हाल ही में उच्च न्यायालय कहां बन रहा है और किस पर है कृष्णपट्टनम पोर्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु केरल कर्नाटक कृष्णापट्टम पोर्ट देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है जितने प्रश्न का उत्तर दिया है उनके जवाब पूरी तरह से सही है ठीक है इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा जूनियर शिक्षक भर्ती प्राइमरी TED, सीटेट, टेट सी टेट सुपर टेट आर ओ यू पी पी एस यू पी एस आई सभी के लिए महत्वपूर्ण है और अन्य क्लास एंड नोट्स के लिए लर्निप द्रिगेश पर आप बात कर सकते हैं ये पी डी अपने सभी साथी मित्रों को देखिएगा और टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए यहाँ पर लिंक है लिंक से जुड़ सकते हैं फेसबुक पेज इंस्टाग्राम ट्विटर यूट्यूब इलर्निप द्रिगेश ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को अपने साथी मित्रों तक भेजने के लिए लाइक करने के लिए ईश्वर करें जल्दी अगली शिक्षक भर्ती में अगली यूपीएसआई में अगली उन सभी तमाम भर्ती में जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं आपको एक सीट जरूर मिले मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है बसरते आपको मेहनत करते रहना होगा आप साथ दीजिए हम परिणाम देंगे क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका बेस्ट ऑफ लक जय हिंद जय भारत बाय बाय